सोलन में शहरी कांग्रेस ने सोलन के रेस्ट हाउस में इंदिरा जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान को याद किया और उन्हीं की तरह देश का सच्चा सिपाही बनने के लिए प्रतिज्ञा भी ली। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन मनोत्रा ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई है, उन्हीं की वजह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश को एक सुदृढ़ नेतृत्व दिया है और भारत में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसीलिए आज सोलन कांग्रेस ने उनके बलिदान और देश के प्रति उनके समर्पण को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का 102वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर सोलन कांग्रेस ने उस विश्व की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए और श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत को एक शक्तिशाली नेतृत्व दिया जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं के प्रीवी पर्स बंद किए और एक जनमानस से जुड़ी हुई नेता श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिनके नेतृत्व में हिंदुस्तान ने बहुत विकास किया और ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो पहले किसी भी समय से हिंदुस्तान में बड़ी कमी रही थी।